नमस्कार सुर मित्रों, मैं विनीत श्रीवास्तव आपका सुर मित्र अपने इस चैनल चित्र राग में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल की विभिन्न संगीत प्रस्तुतियों को अवश्य देखते हैं। इस चित्रराग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वो जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें। हम हमेशा कुछ नवीन संगीत के विषयों पर बात करते हैं। आज का विषय बड़ा हास्यास्पद कह लें या ये कह लें कि बड़ा अजीब, अटपटा, अनूठा है, वो है एक इंग्लिश में शब्द होता है सिबिलेंट। सिबिलेंट यानी जो हम मुंह से आवाज निकालते हैं शा की, सा और ज, ये इस किस्म की जो आवाज होती है ज, जा, शा, इसको सिबिलेंट बोला जाता है। और ये इस किस्म के जो साउंड है सिजलिंग साउंड्स, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में भी बुजुर्ग लोग मना करते हैं कि नहीं, किसी को ऐसे मत बुलाओ। अपन बुलाते हैं ना कभी बार, हे भाई साहब, कहते नहीं ऐसा नहीं बोलिए। तो जब ये आम बोलचाल की भाषा में प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं तो म्यूजिक की दुनिया में तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है। बट हमारे पंचमदार आरडी बर्मन साहब ने इस सिबिलेंट वर्ड्स पे भी बड़े अच्छे अच्छे गाने बना दिए। मुझे इसकी प्रेरणा हमारे दिल्ली के सुरमित्र हैं श्री मुकेश जोशी, आज उनसे बात हो रही थी तो अनायास ये गाना उन्होंने सुझाया। तो मैंने उन्हें बताया कि ये सिबिलेंट होता है, पूछा उन्होंने क्या होता है, तो मुझे लगा कि ये उत्सुकता सभी की होगी, तो आप भी सब सर्वमित्र ये उत्सुकता का समाधान लें मुझसे। ये सिबिलेंट क्या होता है? ये सिबिलेंट जैसे मैंने आपको बताया श की आवाज़, सा की आवाज़, ज़ कर की आवाज़, ये सब सिबिलेंट होता है। सीटी बजाना, नॉट विस्लिंग, विस्लिंग इज अ डिफरेंट थिंग, विस्लिंग इज जैसे विस्लिंग, बट सिबिलेंट इज इस किस्म की। अब ये म्यूजिकल नोट नहीं है बट आर डी बर्मन साहब ने इसको म्यूजिकल फ्रेज में कन्वर्ट किया, और ऐसा आज तक मुझे लगता है कि इंडिया में तो खैर किसी ने किया ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना कि इंटरनेशनल भी ये किसी ने नहीं किया होगा क्योंकि मैंने ऐसे सुने नहीं है गाने। बट इंडिया में तो मैं दावा कर सकता हूँ कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बाकी की भी जो इंडस्ट्री है उसमें इस किस्म के गाने किसी ने कभी सोचे नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसको म्यूजिकली कैसे लिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी ध्वनि है, मुंह से निकलता है, एक ऐसा साउंड है, तो इस साउंड को आप म्यूजिकली कैसे ले सकते हैं गाने में। बट आर डी बर्मन साहब ने इस साउंड को भी लेके सिद्ध कर दिया कि वो साउंड के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको वरदान प्राप्त है, साउंड का उस्ताद है। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, वो फिल्म आई थी 1973 में, उसका नाम था हीरा पन्ना। 1973 में उन्होंने दो फिल्में की और उस दोनों में ये सिबिलेंट के नमूने उनने पेश किए। मैं आपको जो थोड़ी पहले रिलीज हुई उसका उदाहरण देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया मित्रों, अनामिका और हीरा पन्ना पर जो पहले रिलीज हुई हीरा पन्ना, तो मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा। देखिए क्या होता है ये सिबिलेंट साउंड। मैं आपको स्टेंजा से शुरू करता हूँ जहां से आएगा ये सिबिलेंट। जाने मिले या न मिले फिर ऐसी तन्हाई, दिल की लगी लेने लगी सीने में अंगड़ाई, ओ मुझको तो पाले में बसाले, देख बुरा ये जमाना है। दिस इज सिबिलेंट। किसी को इस जगह पे नहीं जाना है, किसी को इस जगह से नहीं आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। आप सिबिलेंट समझ रहे हैं, ओ मुझे को छुपा ले अप
अपना बना दे, देख बुरा ये जमाना हे हो। This is similar. जान मिले या न मिले फिर ऐसी तन्हाई, दिल की लगी लेने लगी सीने में अंगड़ाई। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है। ओ तेरी बाहों में मुझे आज भर जाना है। इसी 1973 में एक एल्बम और किया पंचम दा ने, अनामिका, इसी के बाद आया इस फिल्म के बाद लगभग। उसमें भी उन्होंने इसी सिबिलेंट साउंड पे एक बहुत ही सीड्यूसिंग सॉन्ग क्रिएट किया, कंपोज किया। वैसे ये आपको बता दूं कि ये जो सिबिलेंट साउंड है ये बड़ा सीड्यूसिंग है, कामुक है, रोमांटिक तो है ही, बड़ा उत्तेजक हो जाता है। तो हो सकता है कि बाकी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा हम यूं नहीं कह सकते कि इस किस्म की सिचुएशन तो लगभग हर कंपोजर के सामने आई होगी। ऐसी कई फिल्म्स हैं जिसमें आर डी बर्मन साहब ने म्यूज़िक नहीं दिया, दूसरे नैयर साहब ने दिया, शंकर जयकिशन साहब ने दिया, बट ये इस साउंड को कभी किसी ने नोट नहीं किया कि इस किस्म के साउंड से सीड्यूसिंग ट्यून बन सकती है, उत्तेजना बढ़ सकती है, और इसको कभी म्यूजिकल साउंड माना ही नहीं। आप देखिए एक फिल्म आई जो मैंने आपको बताया अनामिका, उसका एक स्टेंजर मैं आपको बताता हूँ। ओ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। चले ही जाना है तररा नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा। तो आपने देखा मैंने आपको जो सिबिलेंट का एग्जांपल दिया, फिर से मैं आपको बताता हूँ। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता। दिस इज सिबिलेंट। चले ही जाना है नजर चुरा के तुमने मेरी कलाई क्यों। चले ही जाना है नजर चुरा के फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले सुर। मित्रों आपने गौर किया, नोट किया इस सिबिलेंट साउंड क्या होता है। इसको हीरा पन्ना में तो नहीं नोट किया गया, बहुत दूर हमें कहीं जाना है वाले गाने में, बट अनामिका के इस गाने में बाहों में चले आओ मैं इसको नोट करा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ,
कि यार कौन सा साउंड है, कैसे निकाला है। बहुत रिसर्च हुई, खोज हुई, आशा जी ने निकाला था ये साउंड। लोगों को लगा यार ये भी म्यूजिक का साउंड हो सकता है क्या, वो भी बेसुरा नहीं स्वर पे। बट आज तक हमारी इंडस्ट्री में ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस किस्म के साउंड को श को भी लिया जाए। 2 साल बाद फिल्म आई खेल खेल में, उसमें भी देखिए कितना बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं मिलते हैं प्यार प्यार से, दे मुझे प्यार का जवाब प्यार से, धड़कने हुई जबा वक्त भी है मेहरबा, फिर भी कैसी दूरियां, बुल 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 एक मैं एक और तू दोनों मिले इस जगह, और जो तन मन में हो रहा था ये तो होना ही था। ये गाना बोलो 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 एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। ये सिमिलेंट सॉन्ग कि मैंने आपको 3 नमूने बताए, और उम्मीद है कि अब आप आगे हो सकता है कुछ और भी खोज लें तलाश लें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका सुरमित्र विनीत श्रीवास्तव इसका इंतज़ार करेगा, और अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और नई टेक्निक्स के बारे में संगीत से ही संबंधित लेके मिलेंगे। और ये सिमिलेंट साउंड को आप याद रखिएगा, और आप इसको खोजिए कि और किसी कंपोज़र ने इस पर काम किया है क्या, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैंने तो खोजा है और मैं असमर्थ रहा कि ये सिमिलेंट साउंड। तो सुर मित्रों मिलते हैं शीघ्र ही नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।